नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां पृथ्वी ने करण के खिलाफ चल दी है बहुत बड़ी साजिश, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि करण और प्रीता के खिलाफ जो साजिश चली है वाकई में इस समय पूरी तरीका से जो कि दोनों के दोनों फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीका का प्रूफ लिया है जो कि करण के साथ में, क्योंकि करण से रिपोर्टर्स भी ये पूछ रहे थे कि क्या तुम जीरो पे आउट हो गए, तो सभी को इस बात का पूरी तरीका से वहम हो चुका है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का गेम सक्सेस हो चुका है, क्योंकि करण की आखिरकार अब होने जा रही है मैच फिक्सिंग मामले में बहुत बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि करण का जो नाम था वो सब मिट्टी में मिलने जा रहा है। आप लोग जानते ही होंगे कि करण ने हमेशा से ही अच्छा खासा गेम खेला है और जल्दी ही अब देखना दिलचस्प होगा कि वो मुंबई के लिए आखिरकार इतना कैसा गेम खेलता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी ने जो मैच फिक्सिंग के कुछ सबूत जुटाए हैं उन सबरे सबूतों के अगर आधार पर देखा जाए तो वाकई में करण इस तरीका से माना जा रहा है जैसे कि उसने पैसे लिए हैं, लेकिन दोस्तों उसने किसी से एक रुपये भी नहीं लिए, क्योंकि करण के पास में खुद के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। इधर बात की जाए तो सैलन ने एक बहुत बड़ी साजिश चलने जा रही है जो कि प्रीता के खिलाफ, क्योंकि पृथ्वी और सैलन का यह प्लान है कि इनको इस समय ऐसी चोट दी जाए कि दोबारा ये चोट लेने लायक ना बचे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि लगातार एक पर बढ़कर एक बार किया जा रहा है आने वाले एपिसोड में, जहां करण को पहले ही मीडिया के आगे पृथ्वी जो कि कुछ सबूत जुटाने जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि करण हमेशा से ही लॉयल रहा है, लेकिन पृथ्वी ने जो झूठे आरोप लगाए हैं और मीडिया को कुछ सबूत दिए हैं कि आखिरकार करण मैच फिक्सिंग के आरोप में इतना बड़ा गेम खेल रहा है, जी हाँ उससे उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन दोस्तों प्रीता एक बार फिर से सैलन और पृथ्वी का सर सभी को दिखाती हुई नजर आएगी कि आखिर इनकी सच्चाई क्या है, और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गाइज अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए।